पूरे गांव वाले लोग परेशान रहे और वर्ल्ड लोग परेशान रहे। आखिर में एसडीएफ ने उनको परमिशन देने की कार्रवाई की और गांव वाले लोगों ने चंदा करके एक बस के जरिए उन्हें वतन में वो भेज दिया। इस विषय में ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ। जिला कलेक्टर श्री जवाहरी है कि ऐसे मौकों पर किसी आदमी जो अपनी लाभ उठाना चाहते हैं उन पर सख्त निगाह होनी चाहिए। किसी गरीब को कुचल जाना नहीं चाहिए। बाड़मेर जिला एक रेगिस्तानी जिला है और इस जिले में लगभग आबादी 30 लाख की। इन 30 लाख में एक भी आदमी इस कोरोना का मरीज नहीं है। उसका कारण है कि वैज्ञानिक का जो सिद्धांत है मैं उसको मानता हूँ। रेगिस्तान की जमीन बड़ी साफ सुथरी है और इसमें गर्मी का टेम्परेचर एकदम ऊपर आता है और एकदम रात को ठंडा भी होता है। यहाँ गंदी हवाएं और गंदा प्रदूषण ये हवाएं और जमीन सहन नहीं करती है। इस कारण से जिला साफ सुथरा है और जिले में कोई मरीज नहीं। बाहर से लोग बड़े बड़े पैसे कमाने वाले और अच्छे धंधे करने वाले वहाँ लोगों ने आके यहाँ परेशान किया। मेरी तो शुरू से राय थी कि ये बाहर कोई मजदूरी करने लोग गए हैं उनकी बात अलग है, लेकिन जो बड़े बड़े उद्योग और धंधा चला के यहाँ बीमारी फैलाते हैं उनको जिले के सीमा के अंदर आपको नहीं देना है। आखिर मैं सभी अपने जिले निवासियों को बधाई देता हूँ, वो धन्यवाद देता हूँ कि अपना जिला तकदीरवान है और जिले में कोई बीमारी नहीं रहेगी। और फिर भी जाप्ता करना जरूरी है और इस जाप्ता जिस तरह से मुख्यमंत्री नसीहत देते हैं, जिला प्रशासन अपने को नसीहत देते हैं, उनकी पालना करनी चाहिए। राजस्थान का मुख्यमंत्री एक सादगी पसंद गांधीवादी अच्छा इंसान है और उसने हर तरह से इस कोरोना के बीमारी के बारे में अपनी मेहनत करने से अपना दिमाग लगाने से इंसान के बचाव के लिए कोशिश करने में कोई कमी नहीं रखी है। इसलिए उनका हम बार बार धन्यवाद करते हैं और एहसान मानते हैं। यही बात कहते हुए उन्हें मैं आपको कहता हूँ, सादगी से रहो, फिजूल खर्च पर पाबंदी लगाओ और ज्यादा जो है